नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूलस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज को, और बिहार करंट अफेयर्स की ये अगस्त महीने की सेकंड पार्ट की वीडियो है। ठीक है, इससे पहले पार्ट जो अगर आप पार्ट वन अगर नहीं देखें तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ प्रिंट कॉमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये सीरीज जितने भी बिहार से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, तो इस सीरीज़ को देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसमें आपको एज इट इज़ मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ ही साथ मेरे साथ ही नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, आपके नोट्स भी बन जाए, आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो सीरीज है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे, ये सारे 6 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है अमृत भारत स्टेशन की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च किया था। तो इसमें क्या है, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, देखते होंगे आप बहुत सारे रेलवे स्टेशन बहुत पुराने हैं, कॉलोनियल टाइम्स के हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ, टूटे फूटे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वही सब को इम्प्रूव करने के लिए, फिर से रीडेवलप करने के लिए, पुनर्जन्म करवाने के लिए एक तरह से ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च किया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अमृत भारत एक ट्रेन भी लॉन्च किया गया है लेकिन ये स्टेशन के लिए किया गया है। तो इंडिया में 508 रेलवे स्टेशन को जो पहला फेज़ है उसमें 508 रेलवे स्टेशन को कवर किया जाएगा। ठीक है, और उनमें से जो बिहार में है लगभग 49 रेलवे स्टेशन जो है वो बिहार में आते हैं। तो ये सारे डेटा आपको याद रखने, और अगर देखा जाए तो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है दरभंगा एंड सकरी स्टेशन, जो कि उनको पूरी तरह से रीडेवलप किया जाएगा, और जो दरभंगा वाला है उसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा विथ जिसमें लागत आएगी 340 करोड़ की। एंड सकरी स्टेशन जो है मधुबनी में डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको 18.9 करोड़ मान लेते हैं, 19 करोड़ की लागत से उसको रीडेवलप किया जाएगा। ठीक है, लेकिन रीडेवलप इन द सेंस इसको बहुत अच्छे तरह से वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। ठीक है, और जो दरभंगा वाला जो रेलवे स्टेशन है कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा, जिसमें वेस्टर्न साइड वाला जो है पश्चिमी द्वार जो होगा वो 6 स्टोरी बिल्डिंग होगा, 6 मंजिला इमारत होगी, और ईस्टर्न साइड वाले में 3 मंजिला इमारत होगी, सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगे। अगर आप कोई भी मॉडर्न जैसे यूरोप में जैसी फैसिलिटीज़ होती है रेलवे स्टेशन की, वैसी ही फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर इंडिया के रेलवे स्टेशन में भी बनेंगी। ठीक है, फिर नौगछिया रेलवे स्टेशन जो कटिहार बरौनी रेलवे सेक्शंस में आता है उसको भी रीडेवलप किया जाएगा। तो मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो है वाइड कॉन्कोर्स, फुट ओवर ब्रिजेस, लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग रूम, कमर्शियल एरिया, रिटेल काउंटर, फूड कोर्ट, ये सारे कुछ इस तरह से कुछ डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे आप रेलवे स्टेशन देख भी रहे होंगे जिसको प्राइवेटाइज किया गया है और प्राइवेट कंपनीज भी उसमें इन्वेस्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुआ है। तो इंडिया का सबसे पहला जो रीडेवलप्ड स्टेशन है वो भोपाल का जो स्टेशन है वो है। ठीक है, कमलापति रेलवे स्टेशन है वो। तो उसी तरह से पूरे इंडिया में भी 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें से 49 जो है हमारे बिहार में। तो 49 जो रेलवे स्टेशन के लिस्ट दिए गए, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से एक आध स्टेशन बिहार के हैं इसमें, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, इन सभी में से है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, वो है भागलपुर से कहलगांव, नौगछिया, पीरपैंती एंड सुल्तानगंज। ठीक है, तो 4 जो है वो भागलपुर से है। भभुआ जो कैमूर में है वहाँ पर भी 3 स्टेशन, भभुआ रोड, दुर्गावती एंड कुदरा को। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में भी 4 स्टेशन को डेवलप किया जाए, धोली, मुजफ्फरपुर जंक्शन, तीन ही है, रामदयालु नगर। ठीक है, वेस्टर्न चंपारण, नरकटियागंज, सगौली, ये सारे जो है जो नेपाल बॉर्डर के आसपास में है, ये सारे को भी डेवलप किया जाएगा। ईस्ट चंपारण में बापूधाम, मोतिहारी है ना, पटना में जो है 4 स्टेशन है। तो 2 इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक तो हो गया हमारा भागलपुर, फिर पटना का जो है पटना में बख्तियारपुर, बर, फतुहा, तरगेना, ये 4 मतलब रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। पूरे 49 रेलवे स्टेशन को याद करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 4 आपको याद रखना है कि भागलपुर, पटना,
ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ज़्यादातर रेलवे स्टेशन्स को रीडेवलप किया जाएगा, बस इतना याद रखना है। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम में क्या क्या होने वाला है वो याद रखना है, सकरी और दरभंगा रेलवे स्टेशन के बारे में इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे, वो है वाटर रिसोर्स मिनिस्टर्स इनॉग्रेटेड एंटी इरोशन स्कीम। ठीक है, तो बिहार के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो है संजय कुमार झा, अगस्त 7 को ये लॉन्च करते हैं एंटी इरोशन स्कीम। कहाँ लॉन्च करते हैं, तो संगम धाम त्रिमुहानी इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 3 दिवस जो आके मिलते हैं, एंड लवनी इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 6 करोड़ रुपीज इन जीबाच एंड कमला रिवर। ठीक है, तो कमला रिवर आपको पता होगा जो सूख चुका है, बहुत सारे जो रिवर्स है वो सूख चुका है। अगर हम बिहार को देखें, मान लेते ये बिहार है हमारा, ठीक है, और बीच से ये तो गंगा नदी चल जा रही है। जो नॉर्दर्न बिहार है और सदर्न बिहार है, नॉर्दर्न बिहार क्या होता है आपको पता ही होगा, हमेशा ही मानसून के समय में बाढ़ वहाँ पर आता ही आता है, और यहाँ पर साउथ बिहार में क्या है, हमेशा ड्रॉट लाइक सिचुएशन होता है, सूखा पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं, है ना, गंडा, कोसी, ये सब, इन सब रिवर्स को अगर साउथ वाले रिवर्स से या गंगा नदी से जोड़ दिया जाए, तो सदर्न जो बिहार है उसमें जो सूखा का प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होगा, और साथ ही साथ में जो नॉर्दर्न बिहार में जो बाढ़ वाली स्थिति होती है वो भी कम हो जाएगी, है ना। तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के तहत ही एक छोटा सा स्कीम है एंटी इरोशन स्कीम। इरोशन पता ही होगा, सॉइल इरोशन, वाटर इरोशन, ये सब पढ़े होंगे आपने ज्योग्राफी में, जिसमें इरोशन क्या होता है, सॉइल का जो टॉप लेयर होता है वो हवा के कारण या किसी पानी से वो बह जाता है। ठीक है, तो ये क्यों बहता है, तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ठीक है, और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर सैंड माइनिंग हो रहा है, किसी भी तरह से माइनिंग हो रहा है, तो ये और ज़्यादा इरोशन का जो स्थिति है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग पेड़ लगाएं आसपास में, तो पेड़ क्या करेगा, सॉइल को जो है, सॉइल का लेयर को होल्ड करके रखेगा, तो इरोशन कम कर सकता है, और ये जो बाढ़ वाली स्थिति है वो भी पेड़ बहुत हद तक बचा सकता है। ठीक है, और जितना भी हमारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, फिर हमारे जो कैनल सिस्टम से जोड़ा जाता है, जिसको देख सकते हैं वेस्टर्न कोसी कैनल स्कीम। ठीक है, पता ही है आपको कोसी जो है वो सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोसी कैनाल स्कीम, इरिगेशन फैसिलिटीज भी स्टार्ट की गई है मनीगाछी एंड बेनीपुर के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आप देखते होंगे हमेशा ही मानसून में होती है। ठीक है, एंड वर्क इज ऑल्सो बींग डन फॉर बाय द वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग डाउन ऑफ द वाटर लेवल। तो बहुत सारे ऐसे रिवर हैं जहाँ पर पानी का लेवल बहुत कम हो चुका है या सूख चुका है। ठीक है, जैसे कमला रिवर को, तो ऐसे रिवर्स को रिजुविनेट करने का भी ये स्कीम कहता है एंटी इरोशन स्कीम। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंटल एंड ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिवर सिस्टम है, हमेशा ही बिहार के एग्जाम्स में रिवर सिस्टम से, नदियों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप ऑब्वियसली पता होगा जितने भी हमारे रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके पता होना चाहिए किधर से है। तो वो स्टैटिक जो जीके होता है, स्टैटिक बिहार में, वहाँ पर आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा स्पेशली रिवर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर होता है। थर्ड टॉपिक हमारा जो है ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अगस्त करेंट अफेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, चीफ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में 9 एजेंडा जो है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें 9 एजेंडा को तय किया गया, अप्रूव दे दिया गया, अप्रूवल दिया गया। तो वो 9 एजेंडा बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो एजेंडा है वो है रिक्रूटमेंट विल बी डन इन द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। पता है कि ग्लोबल वार्मिंग वाला सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बिहार को भी क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कॉलर जॉब जो होते हैं, क्लाइमेट वॉरियर्स वाले जॉब जो होते हैं, उनको क्रिएट करने होंगे। तो इसी के मद्देनज़र साइंटिफिक ऑफिसर इन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये भी अप्रूवल दे दी गई है कि एक फॉरेस्ट, जिस तरह से फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उसी तरह से एनवायरनमेंट फॉरेस्ट रिलेटेड भी ऑफिसर्स होंगे, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, जो दैट विल वर्क इन द ऑफिस ऑफ बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी काउंसिल। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है अभी तक, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है, तो बिहार भी इसमें जागरूक हो रहा है। ये पहला एजेंडा था। दूसरा जो एजेंडा था वो है अप्रूवल ऑफ सेटिंग ऑफ आईटीआईज, आईटीआईज पॉलिटेक्निक, ये सब कॉलेजेस खोले जाएंगे 2 डिस्ट्रिक्ट में, सारण एंड वैशाली में।
ठीक है। सारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें गरखा एक जगह है जहां पर खुला जाएगा, ठीक है। सारण यानी छपरा एंड राघोपुर वैशाली दोनों ही पास में ही है, ठीक है। ताकि न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वहां पर स्टूडेंट आए, स्किल सीखे और इंडस्ट्रीज में काम कर सके, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए है। तीसरा जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैबिनेट अप्रूव्स अमेंडमेंट ऑफ बिहार स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्सीडेंट ग्रांट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। ये आपके मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो जो रूल्स थे पिछले, जो 2008 वाले रूल्स थे, रूल 5, 5A एंड 5B ऑफ बिहार स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्सीडेंट ग्रांट स्कीम, ये 2008 में आया था, तो इनमें ही बदलाव किया गया है, रूल 5, रूल 5A और 5B में। तो पता है कि मैक्सिमम जो बिहारीज है वो लोग क्या लेबर के हिसाब से काम करते हैं अलग अलग स्टेट में एज अ माइग्रेंट लेबर्स, ठीक है। तो अगर बहुत बार क्या होता है, बहुत हैजर्डस कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता है, तो बहुत बार क्या होता है उनको बीमारी हो जाती है या एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि बहुत लोग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आतंकी हमला के कारण उनको मार दिया गया है, ऐसा बहुत सारे सुनते होंगे। ये एक्सीडेंट हो गया हो, कॉन्ट्रैक्टर काम पे ले गया और कॉन्ट्रैक्टर पैसा देने से मना कर दिया हो, तो इसीलिए बिहार गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पैसा देती है अगर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कारणवश डेथ भी हो जाता है, ठीक है। तो उसी में चेंज किया गया है, बिहार स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्सीडेंट ग्रांट स्कीम रूल्स 2023। तो पहले जो पैसे मिलते थे, है ना, जो 1 लाख रुपया मिलता था अगर किसी माइग्रेंट लेबर्स की डेथ हो जाती थी, तो उसको 1 लाख को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। ये है रूल 5, ठीक है। ये रूल 5 में कहा गया था, पहले 1 लाख मिलता था 2008 के अकॉर्डिंग, अब उसको 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। फिर फॉर टोटल एंड टेम्प्रेरी डिसेबिलिटीज के लिए पहले 5A में कितना मिलता था, तो 50,000 के आसपास मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है, ठीक है। फिर 5B में जो था वो डिपेंड करता था कितना ज़्यादा डिसेबिलिटी है, कितना ज़्यादा एक्सीडेंट से प्रॉब्लम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स है। तो 1 लाख को 2 लाख बना दिया गया, 50,000 को 1 लाख बना दिया गया, और जो 37,000 के करीब मिलता था उसको डबल करके 75,000 कर दिया गया। तो ये रूल 5A, 5A एंड 5B में यही कहा गया। तो जो ग्रांट मिलता था उसकी को बढ़ाया गया, बस यही इस कैबिनेट अप्रूवल दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 100% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एजेंडा क्या था, तो नेक्स्ट एजेंडा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, फिनेंशियल इंसेंटिव क्लियरेंस टू दादाजी स्नैक्स, ठीक है। तो पटना के जो दादाजी स्नैक्स हैं उसको फिनेंशियल इंसेंटिव मिला है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रूल्स 2016। तो ये रूल के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कब आया था ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि बिहार में जो वो इन्वेस्टमेंट आए, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इंडस्ट्रीज खोले जाए, है ना। तो उसी के तहत दो और एक भी किया गया, अप्रूवल फॉर फिनेंशियल इंसेंटिव फॉर AFP मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। AFP मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज को, दादाजी स्नैक्स एंड AFP मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिलेटिव्स को मेनली फिनेंशियल इंसेंटिव दिया गया है। फिर छठा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ₹409 करोड़ अप्रूव फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज। तो अलग अलग एरियाज में जो है फिनेंशियल ईयर 1 साल के अंतर्गत 409 करोड़ स्पेंड किया जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, ताकि इंडस्ट्रीज बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और जो बिहार के लेबर बाहर जाके काम करें उनको बाहर ना जाना पड़े, माइग्रेशन कम हो सके। फिर अप्रूवल टू ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो नेशनल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है DDU NULM, DDU में यानी दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत जितने भी अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं जिनकी स्थिति घर नहीं है, उनको घर मिल सके, उनके सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को, वो सबको देखा जाता है। तो इस पर भी अप्रूवल दिया गया है बाय द बिहार कैबिनेट, ठीक है, अवेयरनेस आ सके और इम्प्लीमेंटेशन हो सके इसकी। फिर आठवां जो है, आठवां भी काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमाउंट अप्रूव्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ STP विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। STP यानी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आज भी देखते होंगे जो स्थिति है बिहार में, ठीक है, इन सारे जो नाले वाले का पानी है वो क्या होता है, रिवर्स में मिलते जा रहा है, गंगा का पानी गंगा है ही नहीं उसमें, है ना, तो गंदा है, पोल्यूटेड
पॉल्यूटेड है पूरी तरह से, तो इसीलिए रिवर्स के आसपास में जो है स्पेशली पटना वाले शहर में वहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाने की बात की है, और इसके लिए जो हेल्प मिला है वो वर्ल्ड बैंक से मिला है, लगभग 100 करोड़ के आसपास अमाउंट है, 98.59, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ एसटीपी विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एट करमाली चौक जोन एट पटना सिटी, ठीक है। तो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, इसको पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए। फिर नाइन्थ एजेंडा जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे होंगे, पटना में जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा कि 542 करोड़ अप्रूव किया गया फॉर द सबवे, सबवे बनाने के लिए अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, फॉर द फ्रॉम पटना म्यूजियम टू बिहार म्यूजियम को कनेक्ट करने के लिए, तो 542 करोड़ इसमें खर्च हो रहा है इनको ब्यूटीफाई करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए, ताकि लोग आराम से जा सके, कुछ अगर प्रोग्राम कुछ होस्ट करना है बिहार गवर्नमेंट को वो आसानी से हो सके, है ना, क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशंस होते हैं। तो ये सारे 9 एजेंडाज हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेडल फॉर 21 पुलिसमैन ऑफ बिहार, नेशनल मेडल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलता है, और इसमें होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह की मिनिस्ट्री है उसमें वो भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो 15 अगस्त को यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस्ड अवार्ड्स टू बी गिवन टू पुलिस पर्सनल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया से मिलता है, जिसमें से 21 पुलिस पर्सनल जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार पुलिस का मोटो क्या है तो ये देख सकते हैं, उत्कृष्टता की यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना, ठीक है। बिहार पुलिस या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, कब कब उसका स्थापना हुआ था, तो 1935, ये सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो इसमें बहुत 21 तो याद नहीं नाम रखने हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद रखने होंगे क्योंकि बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग प्रीता वर्मा को मिला है, ठीक है, ये जो होता है एक्चुअली प्रेसिडेंट पुलिस मेडल होता है, तो प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड दी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रीता वर्मा, नाम इंपॉर्टेंट है, पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर, इनको भी जो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड मिला, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों नाम। साथ ही साथ दो ऐसे भी पुलिसमैन हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, साहस साहस के लिए मिला है, ब्रेवरी के लिए मिला है, फॉर गनिंग डाउन नक्सल्स, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुशील कुमार, ठीक है, जो अभी करेंटली एसपी है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, एंड पुलिस अंडर इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार, ठीक है, जो पोस्टेड है लखीसराय में, इन दोनों जन को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है, बाकी आपके नाम जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद करना होगा तो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों नाम काफ़ी, ये 4 नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो नाम है आप देख सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मधेपुरा कटिहार सोनपुर छपरा पटना समस्तीपुर, लगभग हर जगह से, फिर सीआईडी वगैरह से भी मिला हुआ है, एसटीएफ से भी मिला हुआ, स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है, कॉन्स्टेबल रैंक है, सबको ही लगभग बहुत टोटल 21, लेकिन उसमें से 4 जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का आप ले सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट टैबलू गॉट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पटना मैदान में जो स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि झांकियां जो होती है वो जनरली हम लोग देखते हैं रिपब्लिक डे पे, ठीक है, जो दिल्ली में होता है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे पे बिहार में मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे में भी और साथ ही साथ रिपब्लिक डे पे भी। तो इंडिपेंडेंस डे पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से जो झांकी आई थी उसको फर्स्ट रैंक दिया गया है, ठीक है, जो कि हेल्ड हुआ था गांधी मैदान पटना में, ठीक है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फर्स्ट मिला है, सेकंड किसको मिला, थर्ड किसको मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो सेकंड में 2 है और थर्ड में भी 2 है, तो सेकंड में जो 2 डिपार्टमेंट वो है डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ एंड जीविका, ठीक है, तो इनको जो है आर्ट कल्चर और यूथ एंड जीविका ये 2 डिपार्टमेंट को मिला है। फिर थर्ड पोजिशन पे कौन 2 डिपार्टमेंट है, तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इन दोनों को थर्ड प्लेस मिला है।
तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फर्स्ट प्लेस है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर यूथ एंड जीविका को सेकंड प्लेस मिला है, और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इनको थर्ड मिला है, जॉइंटली मिला हुआ है। ठीक है, तो पांच डिपार्टमेंट आपको याद रखने, पहले वन, इसमें दो और इसमें दो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि छह टीचर्स को नॉमिनेट किया गया नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए, उसमें से तीन टीचर्स मैंने बताया था कि तीन टीचर्स को एक्चुअल में नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है। ठीक है, 5 सितंबर को ये अवार्ड सेरेमनी होते हैं दिल्ली में, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अवार्ड देती है। और ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो टीचर्स डे जिस दिन हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर, फॉर होम ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो जो तीन टीचर्स हैं वो देख सकते हैं, आप फोटोज भी अटैच किए गए हैं। तो ये हैं दिजवेंद्र कुमार सुमन, टीचर इन मिडिल स्कूल मधुबन इन सीतामढ़ी। फिर ये है अनिल कुमार सिंह, आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़। ठीक है, एंड तीसरी है कुमारी गुड्डी, ठीक है, फॉर हाई स्कूल सिंगिया किशनगंज। ये तीन टीचर्स को मिली नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं इस वीडियो में, पार्ट टू में। ठीक है, पार्ट वन अगर आप नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी आपके हर एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 70 BPSC में, बाकी जितने भी एग्जाम्स हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड भी पार्ट जो है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके डाउट सजेशंस कुछ भी हो कह सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।